नमस्कार, मैं हूँ रश्मि प्रतीक दुबे और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आइए आज बनाते हैं बैंगन और आलू का बहुत ही मज़ेदार तरीके से भरता। अब यहाँ पे भरते के लिए मैंने ले लिया है, चार बैंगन लिया था मैंने और पांच आलू लिया था जो कि मीडियम साइज़ के आलू थे। उसको अच्छे से बॉईल करके ना इस तरीके से मैश कर लिया है। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ले लिया है मैंने चार बड़े चम्मच ऑयल और उसके अंदर मैं डाल दूँगी एक छोटी चम्मच ये जीरा और यहाँ पर डाल देंगे आधा छोटी चम्मच ये हींग का पाउडर। ये अच्छे से यहाँ पे इसको पक जाने देंगे। यहाँ पे इसको अच्छे से ब्राउन हो जाने के बाद हम डाल देंगे यहाँ पे तीन बड़े साइज की जो प्याज है उसको मैंने इस तरीके से फाइनली अच्छे से चॉप कर लिया था, ये डाल देंगे। अच्छे से हम इसको यहाँ पे मिला देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे यहाँ पे बिल्कुल मीडियम हाई रखना है हमने फ्लेम। अच्छे से कुक करना है, इस तरीके से कुक करने में ना मतलब हल्का सा जब तक ब्राउन ना हो जाए ना, गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको हमने अच्छे से कुक करना है। मतलब हार्डली लगेंगे यहाँ पे चार से पाँच मिनट इसको ये प्रोसेस करने में। तो ये अच्छे से कर लीजिएगा, इससे क्या होगा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा, पक जाएगा तो उसका जो कच्चापन है ना वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको अच्छे से पहले कुक कर लीजिए। यहाँ पे इस तरीके का अब ये प्याज का कलर आ चुका है, ये देखिए इस तरीके का। तो अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे लहसुन और मिर्ची ये कूट के रख लिया था मैंने, तो ये एक चम्मच डाल देंगे। इसको ना दो मिनट अच्छे से सौते कर लेंगे ताकि इसका भी जो कच्चापन है वो निकल जाना चाहिए। फिर हम ऐड करेंगे कुछ अपने स्पाइसेस, जिसमें कि ऐड करूंगी मैं ये आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और यहाँ पे ज़्यादा नहीं सिर्फ आधा छोटी चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर। मिक्स कर दें इसको अच्छे से। यहाँ पे आधा छोटा चम्मच ही गरम मसाला डाल देंगे जो कि होममेड है, तो ये भी डाल देंगे। मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से। यहाँ पे हम डाल देंगे यहाँ पे नमक, तो एक छोटा चम्मच में यहाँ पे नमक डाल दे रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए। यहाँ पे हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच, यहाँ पे हम डाल देंगे चाट मसाला, ये डाल दीजिए। इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा है, इन्हेंस हो के आएगा, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा छोटा चम्मच डालेंगे ना उससे टेस्ट बहुत अच्छा है, इन्हेंस हो जाएगा। यहाँ पे सब कुछ ऐड करने के बाद हम डाल देंगे लास्ट में ये एक बड़ा टमाटर लिया था जिसको इस तरीके से चॉप कर लिया है मैंने, बस अब ये डाल देंगे। अब इसको ना दो मिनट तक अच्छे से सौते कर लेंगे ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद जो हमने बॉईल करके रखा है ना, मतलब ये भरते का जो बैटर हमने रेडी करके रखा है ना, फिर हम वो डाल देंगे। अब यहाँ पे ये दो मिनट हो चुके हैं, टमाटर इस तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम जो ये भरते का बैटर तैयार किए थे ना वो डाल देंगे, बैटर इन द सेंस जो हमने मिक्स करके रखा था बैंगन और आलू वो डाल देंगे। इसको मिक्स कर देंगे, ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल टेम्पटिंग, बहुत टेस्टी लगती है तड़के वाली जो भरता है ना, बहुत यम लगती है। मिला दें इसको अच्छे से। अब यहाँ पे ये हो चुका है बिल्कुल, ये देखिए इसको डालने के बाद मिक्स करने के बाद सिर्फ हार्डली एक मिनट लगता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो बस अब यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको चलिए सर्व कर लेते हैं। ना सर्व कर लिया है मैंने इसको, बहुत यम लगती है गाइज, ये बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको भरते के साथ, मोटी वाली जो चपाती आती है ना उसके साथ सर्व करें, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद अगर आपको रेसिपी पसंद आए ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।